ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए कितने ही नियम कानून क्यों ना बना लें, लेकिन जनपद एटा में अवैध कब्जे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला थाना मिरहची क्षेत्र के आजमपुर गांव का है, जहां एसडीएम के आदेश के बाद भी दबंगों द्वारा लेखपाल कानून गो की सेटिंग के चलते जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि पीड़ित ने जिले के उच्च अधिकारियों के यहां न्याय की गुहार लगाई थी। तब एसडीएम ने अपने अधीनस्थों से मौके का आलोकन के बाद यथा स्थिति के आदेश दिए थे, जिसे दबंग अवैध कब्जाधारियों ने एसडीएम के आदेश को न मानते हुए अभी भी अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष अवलेश कुमार ने न्याय की गुहार लगाई है। आप देखने की बात होगी कि पीड़ित अवलेश को इस योगी सरकार में कब तक न्याय मिल पाता है। वहीं आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना मिरहची के आजमपुर गांव स्थित एटा कासगंज के बॉर्डर के आजमपुर गांव के कासगंज रोड का है, जहां दबंगों द्वारा जबरन अवलेश की जमीन पर कानून गो खिन्नी लाल वर्मा और लेखपाल की सेटिंग के चलते दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जब पीड़ित अवलेश ने अवैध कब्जा कर रहे लोगों का विरोध किया तो दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिससे पीड़ित अवलेश कुमार ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि उप जिला अधिकारी अबुल कलाम ने पीड़ित का पक्ष सुनकर अपने अधीनस्थों को मौके पर भेज कर जाँच कराई गयी तो पाया कि जो लोग निर्माण कर रहे हैं वे नक्शे से हिसाब से गलत तरीके से अवैध निर्माण करते हुए पाए गए थे। वही एसडीएम ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ मिरहची और राजस्व कानूनगो को निर्माण को रोकने के सख्त आदेश देते हुए निर्माण रोकने के आदेश दिए, लेकिन दबंग लोग एसडीएम के आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया और आज भी लगातार तेजी से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वहीं पीड़ित अवलेश कुमार ने दबंगों पर जान से मारने और उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है और उसने एटा डीएम और एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने की बात होगी कि पीड़ित को इस भय मुक्त कहने वाली योगी सरकार से कब तक न्याय मिल पाता है। मेरा नाम आनंद यादव। क्या वजह हुई है? जगह इसमें ये है कि प्रेम किशोर क्रांति है ना, किसी के बेटा है ये, तो हमने इसमें पैमास के लिए पट्टी निकल रही थी हमारी, तो हमने ये पैमास के लिए पक्की पैमास के लिए इसमें एसडीएम साहब के हमने एप्लीकेशन लगाई। हाँ। तो लगाने के बाद में इनसे हमने मना किया, फिर भैया पैमास हो जाना, तो दो तीन बार पैमास भी हुई लेकिन उसमें कोई नतीजा निकला नहीं। कल हमने ये क्या कि एसडीएम साहब का ये आदेश लेके आए कि भौतिक परिवर्तन ना हो, लेकिन वो भी हमने दिया, कानूनगो साहब को दिया, केएल वर्मा जी थे कानूनगो साहब, उनको भी हमने दिया, लेकिन कोई इसमें ना तो कोई मानने के लिए तैयार है ना कुछ। कल वो यहाँ से हमारा आसान भी करा ले गए। क्या दिया एसडीएम साहब ने? क्या आदेश किया इसमें? एसडीएम साहब ने आदेश ये किया है, कृपया यदि पक्की पैमाइश पेंडिंग है तो मौके पर भौतिक परिवर्तन ना होने दें, यथास्थिति बनी रहे। यथास्थिति बनी रहे। क्या एसडीएम के आदेश का पालन नहीं किया गया? किसी ने कोई पालन नहीं किया है। केएल वर्मा जी थे, उनको साहब भी कल आए यहाँ पर, हमारे दोनों लोगों के साथ करा ले गए कि हम कल कल तक हम कल क्या कहते हैं कल तक पक्की पेमेंट पहले और मेरा सर प्रेम किशोर नाम है। प्रेम किशोर, अभी बताया जा रहा है कि आपके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जा यहाँ कासगंज रोड पर, क्या है पूरा मामला? सर जी, मैं 32 नंबर मेरा ही कब्जा है, 32 नंबर का मैं काबिजदार हूँ। हाँ। मेरे नाम पर 6.5-12 बीघा की जमीन है, दो भाई हैं हम, और ये आले से आदब है, ये जबरन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 324 में खरीदा है और ये 32 नंबर में कब्जा कर रहे हैं। कौन सा नंबर में आप कौन सा नंबर कब्जा कर रहे हैं? जी सर, 32 नंबर में कर रहा हूँ मैं। और इन्होंने कौन सा खरीदा है? इन्होंने 324 मजरा मराची। किसने खरीदा था? किसका नाम है, किसने खरीदा था? इसमें मोतीलाल ने बेचा है, सौरभ यादव ने खरीदा है। तो ये जो है आप कब्जा कर रहे हैं, वो नंबर नहीं है जो आप बता रहे हैं? नहीं है, वो नंबर नहीं है। सौरभ का नंबर नहीं है, इनका 324 नंबर है और ये 32 नंबर पे कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने एक आदेश किया है जिसकी अवहेलना की जा रही है आपके द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है सर। एसडीएम साहब ने आदेश किया है यथास्थिति बनाने का, पैमाइश तब तक कम्प्लीट। एसडीएम साहब ने बनाया है 324 नंबर की पैमाइश करने के लिए, 324 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बराबर में ही 32 नंबर मेरा है, मैं अपने में कर रहा हूँ। तो ये आप कैसे सिद्ध करेंगे, ये जो नायब तहसीलदार हैं सर जी, या कानून को है? 12.5 बीघा का चक है ये, 1 बीघा का तो है नहीं। हाँ। इसलिए मेरा मजरा भी अलग।